सीन कैसा लगा? सीन तो फिल्मी लगा है। हाँ जी अगर पकड़े भी जाते तो कल को दोबारा अदालत ही जाना था, तो उन्होंने पहले ही ये सोचा कि वापस चले जाते। क्लिप आपने देखे? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत मजे का लगा, इसको फन करने का मजा आया। कार्टून ही जैसे आप लगा लें, कार्टूनों की तरह इन्होंने भागने। बस डर है किसी, डर हर किसी को लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फहद हसन। नाज़रीन, आज अदालत के बाहर ऐसा वाक़ हुआ कि फवाद चौधरी साहब जमानत करवा कर बाहर आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और आगे जाते हैं और देखते हैं कि पुलिस है। पुलिस को देखकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अदालत के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस वाक़े के बारे में पब्लिक प्लेस में मौजूद उन लोगों से पूछता हूँ और जानता हूँ कि आखिर ये इस वाक़े के बारे में क्या कहना चाहती है। एक तरफ तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करें, हम यहाँ पर डट के खड़े हैं, और दूसरी तरफ पुलिस को देखकर भाग जाते हैं। आवाम से जानते हैं और देखते हैं कि क्या जवाब मिलते हैं आवाम की जानिब से। जी तो नाज़रीन, एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदील आरिफ नाम है। अदील साहब क्या करते हैं आप? जी मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। क्या बात है, कानून तो आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जनाब वाले, मुझे ये बताइएगा कि खबरें वगैरह तो सुनते ही होंगे, न्यूज़ वगैरह से तो आगाही होगी। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। आज फवाद चौधरी साहब अदालत से जब बाहर आते हैं, सामने पुलिस को देखते हैं, जैसे ही वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं पुलिस को देखकर वो अंदर अदालत में फिर चले जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बात? अच्छा मैं इसमें बड़ा क्लियरली बता देता हूँ कि हर बंदे को हक है अपना आप बचाने का, तो इसी वजह से उन्होंने अपना आप बचाने के लिए अदालत का रुख किया है। अगर पकड़े भी जाते तो कल को दोबारा अदालत ही जाना था, तो उन्होंने पहले ही ये सोचा कि वापस चले जाते हैं। इसमें मैं तो नहीं ये कहता कि गलत है कुछ। एक तरफ तो वो तहरीक चलाते हैं कि जेल भरो तहरीक, फिर कहते हैं जी आए हमें गिरफ्तार करें, हम हक सच की आवाज़ कर रहे हैं, फिर ये चीज़ों का तो सामना करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई के लिए, आपको पता है जिस तरह पहले इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि आर्मी के खिलाफ दोनों, एक सियासी जमात को और आर्मी को लड़ाने के लिए, अब इनका यही दिल है कि इनसे इंतकामी कार्रवाई की जाए, जितनी जल्दी हो सके हम PTI की क्यादत सारी सीनियर एजेंसियाँ पकड़ के हम अंदर कर दें, ताकि कल को हम इलेक्शनों में पूरी तरह उतर सकें। जी नहीं जनाब वाला, देखें ना आपकी बात बिल्कुल बजाय, जो भी आपने अपनी राय का इजहार किया है, हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब जैसे पुलिस को देख कर भागे हैं, बड़ी मीम्स बन रही हैं इस बारे में। अब बात सुने, सामने इसके बंदूक होती तब भी तो भागना ही था ना, अब भी इसे पता है कि आगे इसके साथ क्या होना है। आपके सामने शहबाज़ गिल है, आपके सामने और भी बहुत सारी मिसालें हैं कि जिनके साथ ये हुआ है, तो इस वजह से वो तो सब कुछ देख रहा है, उसके सामने तो वो मौत नज़र आ रही है, उसने तो वापस जाना ही है। सीन कैसा लगा? सीन तो फिल्मी लगा है। हाँ जी आप सोशल मीडिया पे एक क्लिप बड़ा गर्दिश कर रहे हैं कि फवाद चौधरी अदालत से निकलते गाड़ी में बैठते हैं, आगे पुलिस को देखकर फिर दोबारा दौड़ लगाकर अंदर अदालत में चले जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनकी ऐसी दौड़ लगनी है, अब इंशाल्लाह आप देखेंगे हुकूमत के चोर हैं, इन्होंने बहुत हुकूमत को तंग किया। क्लिप आपने देखे? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत मजे का लगा, इसके फन करने का मजा आया। सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रहा है ये क्लिप, क्या कहना चाहेंगे? मीम्स बन रही हैं, लोग इंटरटेन हो रहे हैं इस छोटे से क्लिप से। ये बस इन्होंने कार्टून ही जैसे आप लगा लें, कार्टूनों की तरह इन्होंने भागना, चोर हैं बहुत बड़े। मैं इस पे यही कहना चाहूँगा, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, ठीक है। इधर किसी आदमी की इज्जत जो है ना महफूज नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त कानून की दचियाँ उड़ रही हैं, ठीक है। आम आदमी काम करने वाला इस वक्त भी महफूज नहीं है, चोरों से ज़्यादा हमें अपने इदारों से डर लगने लगा। ये देखिए अदालत के अंदर आज तक कभी किसी को ऐसे गिरफ्तार किया गया है? ये हमारे बस हमारे लिए ये सोचने का वक्त है, हमारे मुस्तकबिल के सोचने का वक्त है। बस करे खुदारा इस कौम को भी थोड़ा सा जी लेने दे इज्जत से। ये बताइएगा, सोशल मीडिया पे एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है कि फवाद चौधरी साहब अदालत से निकलते हैं गाड़ी में बैठते हैं, आगे पुलिस को देख कर उल्टे पैर दौड़ लगा देते हैं, अंदर अदालत में वापस चले जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहूँगा, जारी सी बात है। आपको पता है कि ये जो हालात चल रहे हैं, ठीक है, वो सबको अपनी अपनी बड़ी हुई है, ठीक है। कोई मसलन के आवाम का कोई सोचता नहीं है। क्लिप देखा था आपने? क्लिप देखा। कैसा लगा क्लिप आपको पता? मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे ही मतलब पुलिस हमारा यहाँ पे कानून वगैरह माशाल्लाह वैसे ही मतलब बहुत अच्छा जा रहा है, तो हर किसी को चाहिए कि कानून की पासदारी करे, जो नहीं करता उसको मतलब फिर कानून बताता है कि भाई किस तरह उठाते हैं और किस तरह भाई लेके जाया जाता है। बस डर है किसी, डर हर किसी को लगता है, अब वो डर गए होंगे तो वो डर के चले गए होंगे, अब क्या कह सकते हैं। वैसे सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रहा है क्लिप, क्या कहना चाहेंगे इस क्लिप के बारे में? यही कहना चाहेंगे कि नहीं डरना चाहिए था उनको, कानून पे जाके कानूनी तरीके से लड़ाई करते, अपनी अपना वो क्या कहते हैं उसे,
दिफा करते बिल्कुल। जी तो नाजरीन, फवाद चौधरी के वायरल क्लिप के बारे में पब्लिक प्लेस पे मौजूद होकर हमने आवाम से पूछा और आवाम की जो भी राय थी, जो भी जज्बात थे क्लिप से लेकर, वो आप सबके सामने है। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन पे लाजमी कीजिएगा और इस वायरल क्लिप के बारे में आप क्या कहते हैं आप भी कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।